डायबिटीज के मरीज के लिए सही आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। दिन का शुरुआत करने के लिए आपको नींबू पानी या काला नमक वाला पानी पीना चाहिए। यह आपके शरीर को हाइड्रेट करेगा और आपके शरीर के ग्लूकोज लेवल्स को नियंत्रित रखेगा। सुबह का नाश्ता 8 बजे के AAS पास होना चाहिए। आप दलिया, ओट्स या ब्राउन ब्रेड के साथ थोड़ा सा दूध और खजूर या सेब खा सकते हैं। दोपहर का भोजन 12 बजे के AAS पास होना चाहिए। आप सब्जियों की तरकारी और 1-2 चपाती खा सकते हैं। इसके साथ आप दाल और दही का सेवन कर सकते हैं। शाम का नाश्ता 4 बजे के AAS पास होना चाहिए। आप एक कप चाय या कॉफी के साथ एक टुकड़ा फ्रूट खा सकते हैं। रात्रि का खाना 7 बजे के AAS पास होना चाहिए। आप सब्जियों की तरकारी, दाल और चपाती खा सकते हैं। इसके साथ आप सलाद और दही का सेवन कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर से दूर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आइली, आपको मिठाई, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स से दूर रहना चाहिए। आपको भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए ताकि आपका ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहे। इसके साथ आप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप भी कराए। उनका निर्देशन का पालन करें और डायबिटीज को नियंत्रित रखें। मुझे उम्मीद है कि यह स्क्रिप्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।